दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पीलभीत से एक बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला सामने यहाँ आया है, जहाँ पर जिस व्यक्ति ने महिला की रेप की, महिला ने उसी से कर ली शादी। जी हाँ दोस्तों, बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला है। आइए समझते हैं क्या हुआ है। पीलभीत में दोस्तों दो दंपतियों की शादी टिकाई थी आज से 6 महीने पहले, और इन लोगों की शादी 6 महीने बाद होने वाली थी। लेकिन यहाँ पे जो पुरुष था, जो लड़का था, वो लड़की से कहने लगा कि अब हमारी शादी हो चुकी है तो हम लोग डेटिंग करना शुरू करते हैं। हालांकि इनकी शादी हुई नहीं थी, शादी तय हुई थी। महिला ने भी कहा, हाँ भाई, ये तो 6 महीने बाद मेरे पति बन ही जाएंगे, तो हम इनके साथ डेटिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद जो ये जो लड़का था, ये लड़की से कहने लगा कि हम दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं और आखिर में तो हम लोग का शादी होना ही है। लेकिन महिला ने कई बार इस पर मना किया, लेकिन पुरुष ने जोर जबरदस्ती करते हुए उसके साथ सेक्स कर लिया। इसके बाद क्या था दोस्तों, इन लोग का जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। शादी को होने में मात्र 4 महीने बचे थे, लेकिन जैसे ही 4 महीने हो जाते हैं तो यहाँ पे जो लड़का है वो बोलता है, मुझे ये शादी नहीं करनी है, और अगर करूँगा तो बहुत ज़्यादा मुझे दहेज चाहिए। यहाँ पे जितनी भी लड़की की हैसियत थी उतना लोग चीज़ें दे रहे थे, लेकिन जो लड़का था वो कहने लगा, मैं ऐसी शादी नहीं करना चाहता क्योंकि मेरा मन भर गया है। इस बात को लेकर लड़की को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, क्योंकि उसने सबसे पहले उसका संबंध बना दिया और उसे ये धोखे में रखा कि वो उसे शादी करेगा। इसके बाद क्या था दोस्तों, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। इसके बाद ये लड़की सीधा पुलिस में पहुंच जाती है और मामला दर्ज करा देती है, शादी के पहले इससे मेरे साथ यौन संबंध बनाए। पुलिस ने इस पे एक्शन लेते हुए मामला रेप का बनाया। इसके बाद ये जो लड़का है इसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसके बाद क्या था, अब घर वालों की तो सारी हेकड़ी निकल गई, किस प्रकार से गरीब को लूटना चाह रहे थे। इसके बाद पुलिस बीच में आई और उसको अरेस्ट कर लिया गया, और वो करंट टाइम में जेल में है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वो जेल में गया तो घर वालों ने लड़की को समझाया और लड़का उससे शादी करने के लिए राजी हो गया। इस बीच दोस्तों, ये शादी जब हुई तो पुलिस वालों ने 4 घंटे के लिए उसको छोड़ा था जेल से, ताकि वो शादी कर सके, और शादी पूरा होते ही लड़की को दोबारा जेल में डाल दिया गया। हालांकि दोस्तों, दोनों पक्षों का कहना है कि हम बहुत जल्द मैरिज सर्टिफिकेट दिखाकर अपने दूल्हे राजा को छुड़ा लेंगे और ये दोनों एक अच्छा दंपत्ति जीवन व्यतीत करेंगे। दोस्तों, आप इस पूरे मामले में अपना क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे हिसाब से देखें तो ये जो आदमी इतना गिर सकता है, ये आगे चल के पता नहीं क्या क्या कृत्य करेगा, इसकी कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती। ओवरऑल खबर थी TX वर्ल्ड इन्फो की तरफ से, और ऐसी वीडियोज़ में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें TX वर्ल्ड इन्फो।